जब मैं कोई बहुत ज्यादा बकवास और वाहियात मूवी सीरीज देखता हूं तो मैं यही सोचता हूँ यार, इससे वाहियात और मूवी सीरीज कभी आ ही नहीं सकती। बट नहीं यार, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि कोई इनसे ज्यादा वाहियात और बकवास सीरीज बनाए कैसे सकते हैं। और आज इस वीडियो में जिस वाहियात और घटिया मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, कसम से आप लोग उस पर थूकना भी पसंद नहीं करोगे। मैं बात करने वाला हूँ वर्जन भानुप्रिया के बारे में। इस जैसी महान कचरा मूवी को रिलीज किया गया G5 पर। मैं यार एक ही बात जानना चाहता हूँ यार, तुम लोगों के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, अक्ल से अंधे हो गया? इस मूवी को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने से पहले जरा ये भी नहीं देखा कि भाई ये क्या है, कचरा है ये? लोगों की गालियां खाने का शौक चढ़ा हुआ है क्या तुम लोगों को? इस मूवी का हर एक सीन तो छोड़ो तुम, इस मूवी की हर एक लाइन, हर एक डायलॉग, ये लाइन डायलॉग तो दूर, मैंने क्या डायलॉग बोल दिया यहाँ पे, हर एक लाइन इतनी बकवास, इतनी वाहियात, इतनी घटिया है कि आप लोग जिन्होंने भी ये देखी होगी, लिटरली मेरे मन में तो ऐसा आ रहा था मैं हर एक को इसको मैं गाली दूँ। इसमें कास्ट है उर्वशी रुटेला, अर्चना पूरण सिंह, गौतम गुलाटी। ये गौतम गुलाटी वही है जिसने बिग बॉस जीता था, और सच कहूँ बिग बॉस जीतने वालों को ऐसी मूवीज ही ऑफर होती हैं। कहानी तो इसमें है नहीं, तो उसके बारे में क्या बात करें? तो जो इसके अंदर है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें है कचरा, और इस कचरे को लिखा और डायरेक्ट एक इंसान ने किया है, अजय लोहान ने। और इस कचरे में दिखाया गया है कि दो फ्रेंड है, एक भानुप्रिया है जिसे प्ले किया है उर्वशी रुटेला ने, और एक इसकी फ्रेंड है रुकुल। इन दोनों की नजरों में जिस लड़की ने अभी तक, और इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सॉरी इस मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन दोनों फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस लड़की ने अभी तक शादी से पहले अभी तक अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं किया, वो इस दुनिया की सबसे नाकामयाब और बेवकूफ लड़की है। कमाल है यार। अबे कौन सा नशा फूंक कर ये कहानी लिखी थी? माना एक राइटर का दिमाग बहुत हटके सोचता है, बट एक कचरे और क्रिएटिविटी में फर्क होता है। और क्या सोचकर ये मूवी बनाई कि जनता बहुत ज्यादा हंसेगी, उनकी सोच में परिवर्तन आएगा? सच में तुम एक काम करो, जनता के बीच जाके खड़े हो जाओ। ये जिन्होंने ये मूवी देख रखी है वो इतने लाफे मारने वाली है, तीन कलर का पसीना निकलेगा, लाल, पीला और नीला। और जो भानुप्रिया की फ्रेंड है रुकुल, वो बहुत ज्यादा लिबरल है और वो हर एक लड़के के साथ सोती है। इवन उसको रास्ते में चलता हुआ कोई लड़का दिख जाए वो उसके साथ सो जाती है, लाइब्रेरी में कोई लड़का मिल जाए वो उसके साथ चुमा चाटी पर उतर आती है। तो ये सब करते करते वो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर अपने फोन में जितने भी लड़कों के उसके नंबर होते हैं वो सबको फोन कर करके पूछती है कि वो किस लड़के ने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। इवन इसे ये पता नहीं कि वो बेबी जो है, वो प्रेग्नेंट जो हुई है, वो किससे हुई है, और इसको पता भी नहीं चलता। सभी कहते हैं कि हमने तो किया था, और इसको ऑफर करती है कि अगली बार कब सोने वाली है। और फिर एक दूसरा लिबरल इसको एडवाइस देता है, भाई तू इस बच्चे का मतलब क्यों कराना चाहती है, अबॉर्शन क्यों कराना चाहती है, सिंगल मदर बनकर भी तू इस बच्चे को पाल भी सकती है। और ये सुन के इस लिबरल रुकुल में इतनी हिम्मत आ जाती है, वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जो बच्चे का बाप कौन है। यार वो गली में कुतियां नहीं देखी तुम लोगों ने? सच लिटरली, जब वो उसके पिल्ले होते हैं तब ना तो उन पिल्लों को पता होता है कि कौन सा कुत्ता उनका बाप है, ना ही उस कुतिया को पता होता है कौन सा कुत्ता मतलब जो भी है। यार यही हाल यहाँ पर भी है। यार जब ये मूवी देख रहा था मेरे दिमाग में यही चीजें आ रही थी, मगर यार क्या है यार, ये क्या सोचकर तुम लोगों ने, मतलब कौन सी आइडियोलॉजी दिखा रहे हो यार लोगों को। और अब तुम ही लोग डिसाइड कर सकते हो कि ये लिबरल रुकुल किस कैटेगरी में आती है। और इन लिबरल राइटर की नज़रों में जो भगवान की पूजा करते हैं, जो उनके सामने मतलब हाथ जोड़ते हैं, वो इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। उन्हें सही ढंग से बोलना तक नहीं आता, ऐसा इस सीरीज में, इस मूवी में दिखाया गया है। मैं सच में जानना चाहता हूँ यार, तूने जो इसका राइटर है, क्या सोचकर तूने ये लिखा और क्या सोचकर तूने इसे डायरेक्ट किया? कि यार आसपास के लोगों से पूछ लेता है यार, वो थोड़े बहुत थप्पड़ मार देते तेरे मुंह पे, शायद अक्ल आ जाती और ये कचरा ना बनाता तू। और केवल इसकी कहानी नहीं, इसका ये कचरा ही वाहियात नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी वाहियात ही है। इस कचरा मूवी को देखना और इसमें जो परफॉर्मेंस है वो देखना इतना ज्यादा टॉर्चर है कि भाई आप लोगों ने वो टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट नहीं होता वो देखा होगा, वो आप एक बार हंसी हंसी उसको सह लोगे, लेकिन ये इसका टॉर्चर नहीं सह पाओगे। और इस मूवी को चाहने वाले यहां तक रिव्यू देख चुके और तुम उम्मीद कर रहे हो मैं इसको कोई रेटिंग या कोई स्टार देने वाले, तो एक ही चीज मैं कहने वाला हूं, चल बोझड़ी के। नहीं, मेरी मती मारी गई, मैं इस मूवी के आगे रेटिंग या स्टार का जिक्र भी करूं मैं, कसम से इन लोगों ने दिमाग की दही कर दी है। मैं इतनी अच्छी मूवीज या सीरीज देखकर अपने आप को मतलब खुश था यार, बट इन हरामखोरों को खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती, ऐसी मूवी और कचरा बना देते हैं। और बनाया है चैनल, रिव्यू करना पड़ता है तुम लोगों के लिए, इस जहर को पीना पड़ता है।
अब यार मुझे मुझे बस निकलना है यहाँ से, बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।